आप तो महाभारत के युद्ध के बारे में जानते ही होंगे कि आज से 5000 साल पहले महाभारत का युद्ध हुआ था, जो धर्म और अधर्म के बीच हुआ था। इसमें धर्म की जीत हुई और अधर्म का नाश हुआ। भारत युद्ध के समय धृष्टराष्ट्र का राज था, जिसमें धृष्टराष्ट्र दुर्योधन के पिता थे और उनके बड़े भाई पांडव के 5 पुत्र थे। जब पांडव की मृत्यु हो गई तब धृष्टराष्ट्र को राजा बनाया गया। आगे क्या होता है वीडियो में हम बताते हैं। तब तक आप भी महादेव को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में हर हर महादेव आवाज से लिख। दोस्तों, धृष्टराष्ट्र तो अंधे थे ही, लेकिन वह अपने पुत्र मोह के कारण इतने अंधे हो गए थे, जिसके कारण हमेशा पांडव पुत्रों के साथ अन्याय होता रहा। पांडव पुत्रों को उनका अधिकार देने का वक्त आया, तब दुर्योधन ने उनका अधिकार नहीं देने दिया, जिसकी वजह से महाभारत का युद्ध हुआ। दोस्तों, महाभारत का युद्ध होने का मुख्य कारण था धृष्टराष्ट्र का पुत्र मोह, जिसके वजह से वह अपने पुत्र के मोह में पड़कर अपने ही कुल का विनाश करा दिया।